Faiez told me because you will never be at peace. आप सुकून में कभी भी नहीं रह सकते जब तक कि आप नेचर के बनाए हुए निजाम के आगे सरेंडर ना करते आपको सुकून नहीं मिलेगा उस शादी से आपको सुकून नहीं मिलेगा अगर आप वो चार स्टेजेस पूरी नहीं कर रहे यू आर फिजिकली अटैच यू आर इमोशनली अटैच यू आर मेंटली अटैच एंड यू आर ग्रोइंग टुगेदर यू आर स्पिरिचुअली अटैच आपको सुकून नहीं मिलेगा ये जो एक नई साइंस है ना लड़ाई तो होती है झगड़े तो होते ही हैं इख्तलाफात तो पैदा हो ही जाते हैं नहीं होते आप वो सोचे जहां पे इख्तलाफात दो पानी डिफरेंट आते हैं वहां पे टकराव होता है तो सुकून लतस्करू के माने क्या हुए लतस्करू के तो माने बनते नहीं सुंदर होंगे वो तो बनते ही उसी वक्त है कि जब आप अपनी फितरत के मुताबिक हथियार डाल के बसता है अपनी जिम्मेदारियां आंखें बंद करके पूरे कर रहे हैं खामद की जिम्मेदारियां खामद निभा रहा है उसको पता है बीवी की बात मानू ना मानू प्यार करना है ध्यान करना है जिम्मेदारियां पूरी करनी है वो अपनी जिम्मेदारियां आंखें बंद करके है तो सुकून के अंदर ठहराव है उस पानी के अंदर सुकून है आप ग्रो इकट्ठा ना करें आप इमोशनली मेंटली एक दूसरे के साथ ग्रो ना करें तो फिर इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो जाएंगे बर्तन खड़कने शुरू हो जाएंगे फिर सुकून नहीं होगा फिर शोर शराबा होगा तो च्वाइस कोई नहीं है कि अगर आप इस रिलेशनशिप का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको उस रिलेशनशिप को खींच के अपने साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि हर लेवल पे आपको सुकून मिले और अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर वो खड़ा होते होते वो स्टेज आएगी कि जो उसके बेनिफिट पॉजिटिव थे शादी के वही उल्टे होकर बीमारियां और आपका रिस्क खत्म हो जाएगा घर से प्रकृति खत्म हो जाएगी जो उसका पॉजिटिव साइड ये है कि अगर ये सुकून होगा तो घर में बरकतें होंगी रिस्क के करीम होगा रौनकियां होंगी अब ये फाइव सोलमेट इसलिए जरूरी है Why you have a soulmate? Why? Because you have a सुकून आपको स्ट्रेस नहीं होगा आपको घर में बीमारियां नहीं होगी रिस्क में बरकतें होंगी यहां तक कि मियां बीवी आपस में उसके मुंह में लुकमा डालने में बरकत है आज की ये मुहर्रम का महीना चल रहा है मुहर्रम के बारे में कहा जाता है कि ये वो महीना है जिसके अंदर आप अपने फैमिली में खर्च करें उसका भी डबल सवाब है कई गुना सवाब अब ये कितनों को पता है कितने मस्जिदों के अंदर मौलवी साहब ने बताया कि अपने इस पे तो अपने घर वालों पे खर्च करने का तीसरे गुना सवाब है जाओ उन्हें खाना खिलाओ उनके मुंह में रोटी डालो उनके प्यार में फिर बात करो रिस्क फराग करो और ये जो पूरी हदीस है वो ये है कि अगर चाहते हो रिस्क फराग हो तो इसके पहले 10 जो महीना मरहम के 10 पहले दिनों के अंदर अपने खानदान पे खर्च करोगे तो सिर्फ इसमें फराग ही ओके तो यू विल हैव अ वंडरफुल लाइफ अ पीसफुल लाइफ सुकून वाली लाइफ विदाउट स्ट्रेस लाइफ विदाउट डिजीज लाइफ इफ यू आर हैविंग अ सोलमेट और सोलमेट मैंने आपको डिफाइन कर दिया व्हेन यू आर एट अ सुकून विद ईच अदर जब आप में टकराव नहीं है सेटल हो चुके हैं डिफरेंसेस आपके दरमियान आप पानी दो पानी आए दो पानी आपस में एक हो गया अब एक जान हो चुके हैं दो खानदान आए उसकी कुछ अच्छाइयां थी उसकी कुछ अच्छाइयां थी दोनों खानदानों ने मिलकर नया खानदान बना नया खानदान बना बाद में अपने इख्तलाफात खत्म कर दिए अब ये नहीं मेरे घर में ऐसा होता था और मेरे घर में ऐसा होता था अब हमारा घर है अब ये रेफरेंस नहीं है मेरी अम्मा दया करती थी तो मेरी अम्मा वो करती थी फिर सुकून नहीं है फिर आप साथ रह रहे हैं उसके बावजूद आप दो लोग हैं आप एक उस वक्त बनेंगे जब आप एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाएंगे फिर आपकी आप अपनी कल तक ये उसकी वैल्यूज थी आज ये हमारी वैल्यूज हैं आज ये हमारे घर की पॉलिसी है फिर ये माँ बाप ये नहीं होगा बच्चों की तरबियत करते हुए बेटा मैं तो तुम्हें ये नहीं देती लेकिन तेरा अब्बा नहीं मानता फिर ये जुमले नहीं निकलेंगे फिर एक जबान निकलेगी वो है सुकून की कैफियत कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं ट्रैंक्विलिटी है नशे की कैफियत है ये उसके मानी है लतस के रोके अरबी के लफ्ज को जानने की कोशिश करें इसके मानी क्या है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लड़ाई झगड़ा रोज कन्विंस कर रहे हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं इससे सुकून नहीं होता है